चाइना के मुद्दे के ऊपर कांग्रेस पार्टी के तमाम जितने नेता हैं वो लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि उसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, जो इंडिया चाइना के क्लैशेस हो रहे हैं उसके ऊपर। श्रीनिवास हमारे साथ हैं। श्रीनिवास, सुना आप लोग भी प्लान करेंगे, प्रोटेस्ट वगैरह करेंगे सरकार को जो है दिल्ली जैसी अभी यात्रा ये पहुंचने वाली है 23 को, और संसद में जो है सत्र भी चल रहा होगा दिल्ली में, तो आप लोग प्लान आउट कर रहे हैं कि अब आगे जब यात्रा पहुंचेगी तो उसके बाद आप सड़क के बाद संसद में भी उठाने जा रहे हैं। मैं सरकार और नरेंद्र मोदी जी, इनका सारे भाजपा का जो शाम में टीवी में आके थोड़ा जहर फैलाते हैं, इन सबको मैं पूछना चाहता हूँ। इनका लाल आंख दिखाते हैं, लाल आंख किधर गया इनका लाल आंख, एक के बदले 10 किधर गया? आखिर चुपी क्या है, आपने छुपा रहे क्या? राव जवाब किससे मांग रहे हैं आप? राहुल जी से जवाब राहुल जी को दे रहे हैं तुम लोग? जवाब देश का जनता को दे दो। राहुल गांधी जी क्लियर पहले से ही बता रहे हैं चीनी लोग अंदर घुस रहे हैं, उसमें आपका आज तक सही जवाब किसी देशवासी का आज तक नहीं दिया, ना पार्लियामेंट में इन लोग ने बताया। क्यों नहीं बता रहे सारे? आज सुबह से देखे सारे बीजेपी के नेता जवाब राहुल जी को दे रहे हैं। अरे भैया, देश का मामला है, सीमा का मामला है, चीन लोग इतना अंदर घुसी है, आपने बाहर आके देश का जनता और पार्लियामेंट में आपने इसके बारे में चर्चा करो, नहीं है तो देश का जनता को भी समझ में आ रहा है आप लोग किस तरीके का, जो सीमा से लेके हर इस इशू पे तुम लोग ने क्या दूसरे के ऊपर फेंकने का काम कर रहे हैं, ये सारे बंद करो। और चीनी को साथ में झूला के झूले में बैठ के झूलना बंद करके सही सही मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए सरकार को। एस जयशंकर जी जो हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो इसमें उन्होंने जो है बात रखी है, उनका एक स्टेटमेंट आया कि राहुल गांधी को नहीं पता है कि बॉर्डर पे क्या हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर को पता है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी इज रिमार्क नॉट क्रेडिबल, ही डिडंट ऑर्डर ट्रूप्स टू गो टू द बॉर्डर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर डिड, वी विल नॉट अलाउ चाइना टू चेंज LAC यूनिलैटरली। पहले देश का जनता के बारे में जनता के सामने भी ये आके बताए मंत्री साहब ने, जयशंकर जी आपका बेटा और चीनी कंपनी से वहाँ का जो एम्बेसी से क्या है लेन देन है वो तो आके बता दे पहले, कितने बार ले रहा है वो भी तो बता दे, दुनिया जानता है देश में क्या हो रहा है। तू ये जयशंकर जी आज तक कोई इस तरीके का विदेशांग सचिव है, कभी उस लेवल पे काम नहीं किया, ये टूरिज्म जाके आना छोड़ दो, बार बार घूम के आना इधर उधर, आप एक बात रखिएगा इधर आके दूसरी बात बोलना बंद करके, इस मामले में आप राहुल जी को टारगेट मत करो, चीना लोगों को टारगेट करना सीखो आप लोग। जवाब क्यों नहीं दे रहे, चुप क्यों है सरकार? मींस कहीं ना कहीं ही पूरा इनका सरकार प्रधानमंत्री से सारे लेके चाइना से डरा है। डरो मत, पूरा कांग्रेस पार्टी सभी एक एक कार्यकर्ता इस मामले में हम पूरा उनके साथ है, कोई पीछे हटने का नहीं है, बट आपका स्टैंड क्या है जनता के सामने बता दो। आप जयशंकर जी पे बहुत सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं। 100% में ये सीरियस एलिगेशन, ये सच में मैं कह रहा हूँ उनको, उनको जो बात ये करने का वो सारे काम छोड़ के ओनली राहुल गांधी जी से इन लोगों का टारगेट है। सुबह शाम रात जो ये लोग खाना खाते है वो हजम नहीं होता है, जो अभी इस समय में सीमा में जो हो रहा है चीनी लोगों से उसके ऊपर बात करो ना आप, उसके ऊपर बात करेगा दुनिया भर का बात बोलेगा। अभी कितने लेवल पे वो लोग अंदर घुस रहे, आने वाले दिन में कुछ भी हो सकता है, पहले से ही उसको स्टैंड लेना चाहिए सरकार। पार्लियामेंट में ऑल पार्टी मीटिंग बुला के उसको कहा क्या सपोर्ट चाहिए, हम सारे पार्टी लोग सब लोग तैयार है, सरकार के साथ खड़ा है, बट सरकार इसको कहीं ना कहीं छुपा रहा है, ये बिल्कुल गलत कर रहा है। इस तरीके के करने से बहुत बड़ा आने वाला दिन में नुकसान होने वाला है। तो ये थे श्रीनिवास हमसे बात करते हुए, कैंपस मदन के साथ सुप्रभात, आज तक अलवर।